गुड इवनिंग एवरीवन, दिस लेक्चर इज अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक लेक्चर इसमें हो चुका है, ये उस सीरीज में दूसरा लेक्चर है। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज सो मेनी एप्लीकेशंस इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। हमारी जो अर्थ है ये किस किस चीज से मिलकर बनी है, व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ, ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। यानी मान लीजिए हमारे पास जो एक अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, दैट इज जो हम रेत जिसको कहते हैं, जिसको हम सैंड या डस्ट कहते हैं, ये क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताता है इसके बारे में कि ये क्या है। अब मान लीजिए हम सैटर्न पे या मून पे या मार्स पे हमने जो भी वहाँ पे पता करना है कि उसके क्रस्ट जो है वो किस चीज़ से बना है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ही उसमें हमें मदद करता है। वो बताता है कि जो मार्स है, जो मून है, इसका जो क्रस्ट है ये किस चीज़ से मिलकर बना है या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना है। हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पता लगा कि सन में हाइड्रोजन होता है, अदरवाइज सन के ऊपर जाना, वहाँ पहुँचना इट्स इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन हमें विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पता लगा। हमें जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, बहुत दूर दूर जो तारे हैं, उनके बारे में भी, ये किस चीज़ से बने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उन पे प्रेजेंट हैं, ये हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत हम ऐसा कह सकते हैं कि सर आइजक न्यूटन से हुई इन 1666। सो 1666 में सर आइजक न्यूटन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अलग अलग कलर की जो लाइट्स होती हैं, अगर हम उसे प्रिज्म से पास करते हैं तो वो अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होंगी। आप इसको कह सकते हैं कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे दिस इज ए प्रिज्म और यहां से एक मान लीजिए येलो कलर की ही लाइट है, हम येलो चौक ही ले रहे हैं, और ये जो लाइट है ये मान लीजिए यहाँ इस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है। नाउ अगर हम दूसरे कलर की लाइट लेते हैं इसी एंगल पे, यानी इसी के साथ समझ लीजिए, ये इसी के पैरेलल, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा दैट विल बी एट डिफरेंट एंगल। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम है, पैरेलल है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइनल जो हमारा यहाँ पे हमें जो रेज मिल रही है अलग अलग मिल रही है। तो इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत मान सकते हैं कि न्यूटन सर ने ऐसा सबसे पहले बताया कि डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है बाय प्रिज्म। उसके बाद ये तो हमें पहले से पता था, यानी बहुत प्राचीन काल से पता था, एंशियंट पीपल नोज दैट व्हेन ए क्रिस्टल, नॉट ओनली प्रिज्म, कोई भी एक हमारे पास क्रिस्टल है और वो ट्रांसपेरेंट है, उसको अगर हम रखते हैं धूप में, सनलाइट में, तो उसमें अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं। और ऐसा माना जाता था पहले कि हमारे जो प्राचीन जो पूर्वज रहे हैं, एंसेस्टर्स रहे हैं, वो ये मानते थे कि ये जो कलर्स हैं ये क्रिस्टल्स से आ रहे हैं, अलग अलग जो कलर्स हैं क्रिस्टल्स से आ रहे हैं। लेकिन न्यूटन सर ने ये बताया कि ये जो कलर्स हैं ये क्रिस्टल से नहीं आ रहे, ये जो व्हाइट लाइट है सन की ये उसी में कलर्स हैं, क्रिस्टल सिर्फ उनको अलग अलग कर रहा है। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन से। एक ये जो बात सर आइजक न्यूटन ने बताई उसके लगभग 100 साल बाद, यानी 100 साल तक फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई काम नहीं हुआ, किसी को फैसिनेटिंग लगा ही नहीं ये फील्ड। लेकिन लगभग 100 साल बाद फ्रेनहोफर ने क्या किया, उन्होंने सन को एक प्राइमरी सोर्स नहीं लिया। सर आइजक न्यूटन ने या हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं एंशियंट, उन्होंने क्या किया था, सन के आगे ही क्रिस्टल रख दिया था। सर आइजक न्यूटन ने भी सन को ही सोर्स माना था, आगे प्रिज्म रख दिया था। लेकिन फ्रेनहोफर ने क्या किया, उन्होंने एक स्लिट ली, स्लिट का मतलब एक बड़ा सा चार्ट लिया ब्लैक कलर का, बीच में से उसका एक छोटा सा हिस्सा उसमें से काट दिया, तो उसमें से जो लाइट आई
उसको उन्होंने एक सोर्स लिया, यानी सन को सोर्स नहीं लिया, उस स्लिट को सोर्स लिया, सेकेंडरी सोर्स जिसको हम कह सकते हैं। फिर जो स्पेक्ट्रम आया, स्पेक्ट्रम जो वर्ड है, स्पेक्ट्रम जो नाम था, दैट वाज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन। जो सेवन कलर्स आते हैं विजिबल लाइट में, द फर्स्ट द वर्ड स्पेक्ट्रम वाज फर्स्ट यूज बाय सर आइजक न्यूटन। स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स, और उसको बाद में और हमने कंप्रिहेंसिवली डिफाइन किया, स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ सम वेवलेंथ। सो स्टूडेंट, जब फ्रेनहोफर ने प्रिज्म में से एक पास किया व्हाइट लाइट को, जो व्हाइट लाइट एक स्लिट से आ रही थी, तो फ्रेनहोफर ने क्या ऑब्जर्व किया कि सात रंग तो हैं, उन सात रंग के साथ साथ बहुत सारी डार्क लाइंस हैं। और फ्रेनहोफर ने तो बाद में बताया, ये बोले बहुत ज्यादा है संख्या में। वो सात रंग के साथ जो डार्क लाइंस थी, उन डार्क लाइंस को अगर आप कभी प्रिज्म से खुद भी करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आपको भी दिखेगी वो लाइंस। उन डार्क लाइंस में से कुछ लाइनें ऐसी थी जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी, और ऐसी आठ लाइनें थी जो फ्रेनहोफर को बिल्कुल स्पष्ट दिखी। उनको फ्रेनहोफर ने नाम दिया, जो हमारे इंग्लिश के जो अल्फाबेट थे वो, तो उन लाइंस को हमने कहा फ्रेनहोफर्स लाइन। और वो थी हमारी ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई थिंक एक दो तीन चार पांच एट लाइंस। तो उन वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन उसमें तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व हो रही थी वो आठ लाइनें ऑब्जर्व हो रही थी, और उनको कहा गया फ्रेनहोफर लाइंस इन सोलर स्पेक्ट्रम। फिर इन लाइंस का कई सालों तक कोई ऐसा ला नहीं आया, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं आई जो ये बता दे कि भाई सन के स्पेक्ट्रम में जो कि सेवन कलर्स हैं, उनमें डार्क लाइंस क्यों है। ऐसा कोई किसी भी तरह का वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं आया। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन किया सर फुकाल्ट ने। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने एक सोडियम फ्लेम का स्पेक्ट्रम लिया, और सोडियम फ्लेम का जो स्पेक्ट्रम लिया उसमें भी डार्क लाइंस थी, दो डार्क लाइंस थी, और वो डार्क लाइंस ऐसी थी, क्या ऑब्जर्व करते हैं वो कि ये जो दोनों डार्क लाइंस हैं जो सोडियम फ्लेम के स्पेक्ट्रम से आती है, एग्जैक्टली वो की वो दो लाइन इनमें भी है, फ्रेनहोफर्स लाइन में। यानी धीरे धीरे हम ऐसा एक कंक्लूजन की तरफ बढ़े, हम इस उस टाइम की साइंटिस्ट कम्युनिटी, वो इस तरह से बढ़े, वो ये कह के मतलब ये कह सकते थे कि भाई सन में भी सोडियम से कुछ ना कुछ है, सोडियम जैसी कोई चीज उधर भी है, क्योंकि जो जिस वेवलेंथ पे जो फ्रेनहोफर्स लाइन आ रही है उसी वेवलेंथ पे सोडियम की लाइन आ रही है दो। ये फुकाल्ट ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर किरचॉप्स ने ये प्रूव किया, किरचॉप्स आए फिर बीच में, उन्होंने प्रूव किया कि सन के सराउंडिंग में खाली सोडियम नहीं, बोले बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं, वो सन के एटमॉस्फेयर में हैं, और सन से जब ये व्हाइट लाइट आती है, ये खाली व्हाइट लाइट नहीं, बोले बहुत सारी इसमें वेवलेंथ्स होते हैं, जब ये आते हैं तो ये उस एटमॉस्फेयर में से पास होके आते हैं, जिस कारण से हमें ये डार्क लाइन वहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं। उसी के साथ किरचॉप्स ने और भी ला दिए थे इन 1859। किरचॉप्स का बहुत इंपॉर्टेंट ला है वो ये था 1859 किरचॉप्स ला। किरचॉप्स ला कहता है द रेशियो बिटवीन द पावर्स ऑफ इमिशन एंड द पावर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन फॉर रेज ऑफ द सेम वेवलेंथ
इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर. देखिए, सो किरचॉफ्स लॉ में हमें यह पता लगा कि कोई भी बॉडी है, मान लीजिए विच इज इमिटिंग सम रेडिएशंस और विच इज इमिटिंग सम वेवलेंथ्स. जैसे इसको एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमारे घर पे प्रेस होती है, आप प्रेस को लाइट से जोड़ देते हैं तो प्रेस गर्म हो जाती है, देन इट इमिट्स रेडिएशंस और ये इमिट करता है इन्फ्रारेड रेडिएशंस. तवा है जिस पे माता जी रोटी बनाती है, वो तवा भी इमिट रेडिएशंस. हाँ, बल्ब होता है हमारे घर में, इट आल्सो इमिट सम रेडिएशंस. तो ऐसा कोई भी एक सोर्स ले लीजिए आप, तो उसका जो पावर ऑफ एमिशन है, जैसे हम बात करें प्रेस की, तो प्रेस का जो पावर ऑफ इमिशन है वो, और जो उसका पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो. पावर ऑफ एमिशन का मतलब ध्यान से सुनो कि एक सेकंड में कितना एनर्जी उसने इमिट की फॉर ए गिवन वेवलेंथ. ये ध्यान रहे, हम एक ही वेवलेंथ की बात करें. मान लो आपने एक वेवलेंथ ले लिया, से आपने वेवलेंथ ले लिया 1000 ले लिया, 1000 एंगस्ट्रॉम. हम इस वेवलेंथ की बात करते हैं कि इस वेवलेंथ पे किसी भी बॉडी ने जो पावर एमिट किया और जब हमने ये वेवलेंथ उस बॉडी पे डाला तो उसने उसको एब्जॉर्ब किया. क्योंकि कोई एमिटर होता है तो एब्जॉर्बर भी होता है, ऐसी बात नहीं कि वो एक ही चीज होता है. जैसे आप और हम हैं, यू आर ऑल्सो बॉडी. सो अब सर्दी है, चल रही है अभी, देखो सर्दी है तो सर्दी में क्या है कि वी आर एब्जॉर्बिंग पावर. ठीक है, नो वी आर इमिटिंग पावर. एंड इन सम केस, इन सम सिचुएशन वी एब्जॉर्ब सम पावर. ठीक है, हमारा जो बॉडी है ये दोनों ही काम करता है, एब्जॉर्बिंग का भी करता है और एमिटिंग का भी करता है. तो किस एक एक पर्टिकुलर हमने वेवलेंथ लिया कि सपोज ये वेवलेंथ लिया और हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारा बॉडी इसी वेवलेंथ को इमिट भी कर रहा है, तो एक सेकंड में वो कितना कर रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी ए कॉन्स्टेंट. ये यहाँ पे कहा जा रहा है भाई सर किरचॉफ्स. तो ये मैंने बॉडी लिया 1000 एंगस्ट्रॉम, इसने इमिट किया, उसको इसका एमिसिव पावर हो गया, और 1000 जब ये एब्जॉर्ब करता है इसका एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया. उन दोनों का जो रेशियो है दैट विल बी सेम एट ए गिवन वेवलेंथ. तो दिस इज किरचॉफ्स लॉ. और किरचॉफ्स लॉ के साथ साथ इसमें दो कोरोलरीज और हैं, यानी इसी में दो ऐड करने की और बातें हैं. वो दो बातें क्या हैं, सबसे पहली द रेज एमिटेड by substance depends on the temperature and the nature of substance. देखिए students, यानी क्या कौन सा वेवलेंथ इमिट होगा, ठीक है, कि किस वेवलेंथ को कोई बॉडी इमिट कर रही है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है. पहला नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा उसका टेम्परेचर. जैसे मान लीजिए आपने आयरन का जिक्र किया यहाँ पे कि हम प्रेस जो करते हैं इट इज मेड अप ऑफ आयरन, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करता है. अगर हम उसकी बजाय कोई दूसरी बात करें, दूसरे मेटेरियल की, सपोज मैंने बात कर ली कोई इंसुलेटर ले लिया, वुड, ए ड्राई वुड, सो ड्राई वुड इज ऑल्सो गोइंग टू इमिट सम रेडिएशंस एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू एब्जॉर्ब सम रेडिएशंस. बट वो कौन से रेडिएशन इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, वुड के नेचर पे डिपेंड करता है. तो आयरन अलग तरह का करेगा, वुड अलग तरह का करेगा, ये तो हुआ नेचर पे. दूसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, मीन्स टेम्परेचर अगर अलग अलग है तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगा. जैसे हम बात करते हैं कॉपर की, आप ध्यान से देखिए जो कॉपर है वो एकदम चमकीला होता है और उसका रेडिस रेडिस कलर होता है.
जब वो काफ़ी टाइम तक बाहर रहता है तो वो उसका जो कवर है इट बिकम्स क्यूपरस ऑक्साइड, वो ऑक्साइड में बदल गया तो अलग तरह की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका आप यू कैन से नेचर बदल गया, तो जो जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बदल गया। अब उसी कॉपर को आप एक काम करिए, गर्म करिएगा, जब आप कॉपर को गर्म करते हैं तो उसका आप देखेंगे रंग बदल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है घर में कि मान लीजिए आप एक स्टील का बर्तन है, आपने उसको गैस के ऊपर ऑन करके रख दिया, जब आप उसको गैस के ऊपर ऑन करके रखते हैं और उसमें कुछ डालना भूल गए तो देखिए उसका कलर बदल जाता है। तो यहाँ कलर बदलने का मतलब नाउ इट इज इमिटिंग लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। आयरन की बात कर लो, आयरन को आप देखेंगे तो उसका एक कलर होता है, जब आप उसे गर्म करते हैं तो वो कुछ रेडिश रेडिश होता है, और ज़्यादा गर्म कर देंगे, जैसे आपने देखा होगा वो होते ना आयरन स्मिथ लोहार, वो आयरन को गर्म करते काफ़ी हाई टेम्परेचर तक, तो वो ऑरेंज कलर के होते हैं, यानी कम टेम्परेचर पे है तो रेड कलर का आयरन होगा, और ज़्यादा आपने उसको गर्म किया तो वो ऑरेंज कलर का होगा, और अगर हम और ज़्यादा बात करें यानी वो टेम्परेचर जिस पे आयरन बिल्कुल पिघल जाता है, मतलब बिल्कुल लिक्विड स्टेट में हो जाता है, उस पे आयरन लगभग वाइट हो जाता है। सो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर की उसने लाइट को, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को उसने इमिट किया। सो किस वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी ये दो बातों पे डिपेंड किया, द वन इज टेम्परेचर एंड द अनदर इज द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड वन मोर कोरोलरी इज द एसोसिएटेड विद दिस किरचॉफ्स लॉ, दिस वॉज द फर्स्ट कोरोलरी। द सेकेंड इज एवरी सब्सटेंस हैज ए पावर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी सब्सटेंस हैज ए पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज ए मैक्सिमम फॉर द रेज इट टेंड्स टू इमिट। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है और इसके ऊपर आपने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इस पे डाली, ठीक है, ये मैंने अलग अलग वेवलेंथ ली, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर एंड लेमडा फाइव। तो ये सब्सटेंस क्या करता है, इसमें से कोई भी एक वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बाकी को ये एब्जॉर्ब करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता, कम एब्जॉर्ब करता है, ये इसने इसको लेमडा थ्री को ज्यादा एब्जॉर्ब किया। तो जब आप इस मेटेरियल को गर्म करेंगे या जब आप इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे किसी भी तरीके से, तो जब ये इमिट करेगा तो इमिशन में भी बहुत सारे वेवलेंथ होंगे लेकिन लेमडा थ्री सबसे ज्यादा होगा, हर तरह की लाइट इमिट करेगा बट लेमडा थ्री सबसे ज्यादा होगा, ओके। तो जितना जिस वेवलेंथ को यह ज्यादा एब्जॉर्ब करना चाहता है उसी को यह ज्यादा इमिट करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है बट कम अमाउंट में कर रहा है, और इसको सबसे ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसी को सबसे ज्यादा अमाउंट में ये इमिट करेगा। सो स्टूडेंट ये था इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सो इस वीडियो को मेरे हिसाब से देख लेंगे, दैट विल बी बेटर। थैंक यू बच्चों।